मैडम जी, ऋषभ और सरोजनी 3 दिन बाद शादी करने वाले हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा हम आपको उतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। मैडम जी, बात पैसे की नहीं रह गई, पैसा लेने के बाद काम भी तो होना चाहिए। और हाँ, आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि आपके खिलाफ इतने ठोस सबूत मिल चुके हैं कि केस मिटा पाना या इसे बर्बाद करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि यहाँ पे हम जेल में पड़े हैं और वहाँ वो दोनों खुशी खुशी शादी कर रहे हैं हमें बर्बाद करने के बाद। नहीं, क्या आप हमारा एक काम कर सकेंगे? हम आपको एक नंबर देंगे, वो हमारा आदमी है, वो हमारा काम कर देगा, आपको सिर्फ उसको एक फोन करने की जरूरत है। उसे अच्छी तरह पता है कि उसको क्या करना है। अब हम तो ऋषभ की चाची हैं और उस नाते से हमें ऋषभ के लिए कोई ना कोई तोहफा तो भेजना चाहिए। और जो गिफ्ट हम सरोजनी को देने के लिए सोच रहे हैं, और वो सरोजनी के लिए जिंदगी भर की सजा बन जाएगा। इंदिरा दीदी, मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी कठिन हो गई है। आपकी शादी ऐसे समय पर टूटी जहाँ घर में दूसरी शादी हो रही है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन भाभी अगर उन्होंने हमें तलाक देने से मना किया तो? ऐसा नहीं होगा। ये देखो, ये तो डिवोर्स पेपर है। एग्जैक्टली, और ये समर ने इस पर साइन कर दी। बिल्कुल। एक बात कहें, जैसे सुमेंद्र भैया ने हमेशा हमारी मदद की है ना, ऐसे आपने भी की है। हमें पिंजरे से आजाद कर दिया। थैंक यू सो मच। यार, तुमने थैंक्स बोल के ना सब खत्म कर दिया। तुम सुमेंद्र को थैंक यू बोलती? नहीं ना, तो मुझे भी थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। अपनों के बीच में सॉरी थैंक यू नहीं हो तो बेटर है। मैं तो बस अपनों के दिल में छोटी सी जगह चाहता हूँ और अपनों को अपने दिल में रखना चाहता हूँ। मैडम जी, आपके कहने के अनुसार मैंने ऋषभ के अकाउंट क्लोज करा दिया है। वेरी गुड। अब ऋषभ को पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या होती और हमारे दूसरे प्लान का क्या हो रहा है। बहुत जल्द वो भी शुरू हो जाएगा। किसने भेजा है तुम्हें, कहो। आप इतनी क्रूर हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। आपने इस आदमी को भेजा ऋषभ जी को मारने के लिए। चाची जी, आपको जो करना था आपने कर दिया। अब आपके पास सजा भुगतने के अलावा कुछ भी नहीं। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें भी इनके साथ साथ जेल की हवा ही खानी पड़ेगी। आपने मुझसे मेरा सुमेंद्र तो छीन लिया, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, अपनी जान ही दांव पर क्यों ना लगा देनी पड़े, लेकिन मैं आपको ऋषभ जी को कुछ नहीं करने दूंगी। जी,
आज तक आपने मुझसे जो करने के लिए कहा मैंने किया, आपके लिए जेल तक पहुंच गया मैं, और आपने क्या किया? मैं सोच भी नहीं सकता था चाची जी कि आप मुझे मारने की कोशिश करेंगे। आप तो मुझे बेटा समझती थी ना, क्या कोई माँ एक बेटे के साथ ऐसे कर सकती है? मैं आपके लिए फांसी तक चढ़ जाता और आपने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे यकीन नहीं हो कि माँ ऐसी होती। माँ ऐसी नहीं होती। मेरे दिल में जो आपके लिए प्यार था, जो आपके लिए इज्जत, आपने सब खत्म कर दिया। चलो सर, इन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी भी मुझे इन्हें इस हालत में देख के बुरा लग रहा है। अंदर से मर रहा हूं मैं। हमें पता है कि हमने तुम्हें सरोजनी से अलग करने के लिए हर एक तरीका अपनाया। माना कि हम खराब है, लेकिन अब हम हार गए। तुम दोनों के बीच में अभी कोई भी रिश्ता नहीं, लेकिन तुम्हारे रिश्ते की ताकत हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम तुम दोनों से कभी भी जीत नहीं पाएंगे, और इसलिए हम ये कहानी यहीं पे खत्म कर देते। तुमने ठीक कहा था विशाल, हम तुम्हें अपने बेटे की जगह देखते और उसी रिश्ते के अधिकार से हम तुम दोनों को शादी की बधाई देना चाहते। लेकिन हम ये बात जानते तुम हमारा आशीर्वाद स्वीकार नहीं करोगे। कोई बात नहीं, ऐसे भी पछतावे के अलावा हमारे पास अब है ही क्या। God bless both of you. तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मुझे नहीं लगता अब मैं आप पर कभी यकीन कर पाऊंगा। ऋषभ और सरोजनी खुश हो लो जितना तुम दोनों को खुश होना है। प्यार की कसमें खा लो जितनी तुम्हें खानी है, लेकिन अब तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। हम तुम दोनों को बर्बाद करके रख देंगे। सरोजनी, अंदर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? थैंक यू। किस लिए? आज जिस तरह तुम चाची जी के सामने खड़ी हो गई, मैं क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। शादी क्या होती है उसके बारे में मैं देखता था, सुनता था, लेकिन असल में शादी के मायने क्या होते हैं यह आज मेरी समझ में है। जब तुमने चाची से कहा कि आज के बाद तुम मुझे कुछ होने नहीं दोगी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको मुझसे शादी नहीं करनी। अपनी होने वाली पत्नी को कोई थैंक यू भी कहता है? चलिए अंदर, सब इंतजार कर रहे होंगे। आपने हमें यहां से भगाने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छी तरह जानते हैं कि अभी तक हमें इस जेल के बाहर होना चाहिए। मैडम जी, एक रास्ता है जिसे आपको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तब ये काम कर सकता हूँ जब आपको इस जेल से किसी और जेल में ट्रांसफर किया जाए। हम आपको कोई भी कीमत देने को तैयार है। हमें नहीं पता आपको जो करना है आप कीजिए, मगर जल्द से जल्द हमें इस जेल के बाहर निकालिए। और सुनिए कि हमारा बाहर निकलना इतना जरूरी क्यों है। ओके, हो जाएगा ये। हमें बाहर निकालने के साथ साथ
आपको बाकी के इंतजाम भी करने हैं। ऋषभ और सरोजनी की शादी से पहले हमें यहां से निकलना ही होगा। पंडित जी लीजिए, शादी की सारी तैयारी ना एकदम तरीके से होनी चाहिए, है? कौनो जल्दबाजी नहीं है, विधिवत करिएगा, बहुत समय है हमारे पास, है? हाँ फिरंगी, बरबधू के लिए फूल मालाएं आ गई हैं ना? हाँ फूल मालाएं आ गई है, मैंने पूजा वाले रूम में रखवा दिया है। ठीक, अच्छा जहाँ से हम कहे थे वहीं से लाए हो ना? जी हाँ वहीं से लाया हूँ। ठीक है ठीक है। तो ऋषभ बाबू तुमको देखकर बेहोश हो जाएंगे। मेरे ख्याल से वो मुझसे सुंदर लग रहे होंगे। हेलो बने? नहीं पहले। आप बात है, एकदम बिल्कुल हीरो लग रहे हो। आए ना आज तो सरोजनी की तुमको देख के हवाइयां उड़ जाएंगी। अरे हम कहा यार, आज तो सरोजनी बहुत खूबसूरत लग रही होगी। बात भी है लेकिन तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। ए दादा ए सुनो तो, जरा आम का पत्ता लेके आओ तो, हम तो पूरे ही भूल गए। और आप ना जाके सुपारी लेकर आइए। जाइए जाइए। पंडित जी तनिक देख लीजिए, पूजा का सब सामान आएगा वह है ना? सुपारी और आम का पत्ता भी नहीं आया है। हाँ वो आ जाएगा, बहू ने बोल दिया है। सपना इधर आना। हाँ, आ रहे हैं अभी। हम आए। इंदिरा दीदी आप मेरा एक काम करेंगी? दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। जी हाँ जी हाँ, दीजिए, आ गए दूल्हे राजा। चाहिए मैडम, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके वापस आइए, तब तक हम लोग आपका यहीं पे इंतजार करते हैं। आपने हमारा काम किया? हाँ मैडम, लेकिन आपको कोई देख न ले पहचान न ले इस बात का खास ख्याल रखना होगा। लेकिन आपको काम खत्म करके वापस आने के बाद आपको और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। लेकिन मैडम अगर ये सब काम आपने अच्छे से कर दिया ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और किसी को शक भी नहीं होगा क्योंकि आप तो अभी जेल में हो। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे हमें अच्छी तरह पता है और सब कुछ परफेक्टली होगा, आप फिक्र मत करें। आई होप। वधु को बुलाइए। जी बस आ रही है। पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुणध्वजः। चाची मंगला, चाची आप यहाँ कहीं खड़ी हैं? चलिए अंदर चलिए। अरे आपने घूंघट काहे ले रखा है, ये तो अपना ही घर है, अब घूंघट की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए अंदर आइए। सपना आइए आइए अंदर आइए। हाँ
नीचे उतरो। अरेस्ट करो। क्यों? मैंने क्या किया? उग्रियों के नेटवर्क से हमें जानकारी मिली थी और इसीलिए तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगे थे और अब हमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। पूजा परियार को दूसरी जेल में शिफ्ट करने जा रहे थे ना, कहाँ है वो? जल्दी बताओ नहीं तो अभी का भी सबको सस्पेंड कर दूंगा। साहब ने उसको भगा दिया सर, वो सरोजनी के घर गई है। मैं सरोजनी के घर पे जाता हूँ, कहीं वो औरत कुछ गलत ना कर बैठे। मेरे साथ चलो तुम लोग। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। आज तो हम ऋषभ को चांद से मौज ही देंगे। रुक जाओ। ये आप क्या कर रही? क्या इत्तेफाक है ना सरोजनी, एक बार अनजाने में हमने तुम्हें विधवा बनाया था, लेकिन आज हम ऋषभ को गोली मार के तुम्हें जान बूझ के विधवा बनाएंगे और तुम्हारे लिए यही सही सजा भी होगी। तुम्हें पता है बिना मौत के मोहब्बत जमती नहीं है सच। तुम हमसे लड़ोगी ना, पूजा परिहार से लड़ोगी, तुम जिसका करोड़ों का टर्नओवर है उससे एक अचार पापड़ बेचने वाली 2% की लड़की लड़ेगी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, कि हमने तुम्हारा पति छीन लिया तो तुम हमसे हमारा पति जो छीनोगी? तुम हमें बदनाम करोगी, हमें नीचा दिखाओगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? चलो दिखाओ तुम अपनी हिम्मत, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। कम ऑन सरोजनी। देखिए चाची जी, आप चुपे कर रही है, बहुत गलत कर रही। चाची जी आप क्या कर रही है? आप अगर मुझ पर गोली चलाएगी ना तो आपकी गुनाह और संगीन हो जाएगी, आपकी सजा बढ़ जाएगी, आप समझती है ये? सजा ऋषभ? ऋषभ, सजा से हम नहीं डरते, हम तो उन लोगों में से हैं जो कानून को अपनी उंगलियों पर नचाना जानते हैं। तो फिर ठीक, अगर आपको मुझ पर गोली चलाने से खुशी मिलती है तो चलाइए गोली। उन्हें बांधने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। तुम लोगों को क्या लगता है कि ह्यूमन चेन बनाने से हम तुम लोगों को छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम एक एक को मौत के घाट उतार देंगे, तुम में से किसी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ए, रुक जा। गन डाउन, डाउन। अब ये भागने और मारने का खेल बंद कीजिए। अब आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ चलिए। लगाओ कड़ी, गन ले लो।
मैं आप सबसे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप सब ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे लिए ये सब किया। मेरे लिए क्या होता है, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, मेरे लिए तेरे लिए छोड़ दो और पहले शादी की रस्म पूरी करो, बातें बाद में करेंगे। आओ आओ आओ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज। हमारी शादी के लिए एक तोहफा है तुम्हारे, तुम्हारा और सुमिंदर का सपना था स्कूल खोलने का, वो मैंने पूरा कर दिया। खुश? चुक चुक जियो।